कैंट थाने की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिछले 5 सालों से फरार चल रहे वांछित हत्यारोपी व 15,000 के इनामी अपराधी को कैंट थाना प्रभारी रवि कुमार राय ने पुलिस टीम के साथ बरगदवा के पास गिरफ्तार किया। वही घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि पिछले 5 सालों से लगातार हत्यारोपी की तलाश चल रही थी, जिसने अपना नाम पता बदलकर छुपकर इधर उधर रह रहा था। आपको बता दें, मामला 17 सितंबर 2015 का है, जिसमें सीआरपीएफ के कमांडर तालिब अली ने कैंट थाने में प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी माता की हत्या उसके पिता सिद्दीक अली ने की है। गौरतलब है कि महिला का अंतिम संस्कार हो चुका है। बेटी के प्रार्थना पत्र के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश पर नियमानुसार शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें रिपोर्ट में आया कि महिला की मौत चोट लगने से हुई है। उसके बाद से ही हत्यारोपी की तलाश में पुलिस लगी हुई थी। काफी छानबीन के बाद पता चला कि हत्यारोपी अपना नाम व पहचान छुपाकर किराए के मकान पर कोई लहवा चौराहे के पास नकहा नंबर 1 में महिला के साथ रह रहा है, और जो उसके यहाँ नौकरानी का काम करती थी उसी के साथ उसका अवैध संबंध हो गया था और उसी के साथ रह रहा था। दिलचस्प बात यह है कि सिद्दीक अली एयरफोर्स में कार्य करते हैं। कई साल पहले उसने वीआरएस ले लिया था। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी रवि कुमार राय, उप निरीक्षक रणजीत सिंह बघेल, उप निरीक्षक अजीत चतुर्वेदी, कांस्टेबल शाहबला अजीत वर्मा, परशुराम मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, खास बात ये मिली सिद्दीक अली हैं, निवासी कूड़ाघाट कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी पत्नी 2015 में ख़त्म हुई। इन्होंने अपना उसका अंतिम संस्कार कर दिया, दफना दिया। उसके बाद इनका लड़का जो था तालिब अली, वो सीआरपीएफ में उस समय कमांडो था, वो आया। उसने कहा कि हमारे पिता ने किसी दूसरी महिला के चक्कर में हमारी माँ को मार दिया गया है। उस समय मामला उछला, तो उसके बाद उसकी जो बॉडी थी वो दफना दी गई थी। डीएम साहब के तत्कालीन डीएम साहब के आदेश से उसकी बॉडी को खुदवाया गया। बॉडी खुदवा जो हड्डियां पाई गई उनको पीएम के लिए भेजा गया। उसमें पैनल से पीएम हुआ, जिसमें ये बात स्पष्ट हुई कि इसके वास्तव में इसकी मृत्यु चोट से हुई है, इंटीमार्टम इंजरी आई, जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद से ही ये व्यक्ति लगातार अपनी दूसरी औरत साथ इधर उधर भाग रहा था, अपने घर से कोई मतलब नहीं रख रहा था, विभिन्न प्राइवेट जगहों पर ऐसे काम कर रहा था। उसी संदर्भ में कल आज इसकी गिरफ्तारी हुई। 2-4 दिनों से इसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जिसमें आज इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने कबूल भी किया है कि हाँ, हमने दूसरी औरत के चक्कर में ही अपनी पत्नी को मार दिया था। और उसको मतलब इसमें बहुत अच्छी बात रही कि एफएसएल से रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो बॉडी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी, मात्र हड्डियाँ बची थी। तो एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, लगातार इनकी पतारी सुरक्षा की जा रही थी, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए और जेल भेज दिया गया। नहीं, इस तरह की कुछ चीज़ ये एंटीमार्टम इंजरी थी, इन्होंने किसी चीज़ से मार दिया था उसी समय पे, तो तत्कालीन समय दफना दिया था। उसके बहुत दिन बाद तो ये पता ही चला कि इनका साथ हुआ। फिर उसमें जब वो बॉडी निकाली गई तो मात्र हड्डियाँ थी, वो एफएसएल भेजी गई। एफएसएल से रिपोर्ट आने में टिपिकल था, रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा। जैसे रिपोर्ट अभी कुछ दिन पूर्व पता हुई आई हम लोग पास, वैसे ही पुलिस सक्रिय हो गई। हत्या 2015 में हुई थी। उसके बाद इनके मतलब लड़के ने 15 में अपना एप्लीकेशन दी, इस तरीके से इनकी बॉडी निकाली गई। अब बॉडी निकालने के बाद एफएसएल, उसके जो अस्थि पंजर थे एफएसएल भेजे गए थे। एफएसएल से भी कुछ महीने पूरी भी हमको रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। लड़के को ये मेनली पता था, लड़के को ये लग रहा था, इनके चाल चल से देखने लग रहा था कि ये दूसरी औरत के किसी के चक्कर में है, और उसी चक्कर में घर में इनके क्लेश होता था, और इन्होंने ही अपनी माँ को मारा। उस समय जब उन्होंने अंतिम संस्कार किया तो लड़के को बुलाया भी नहीं था, उसीलिए उसको और शक हुआ। ये विभिन्न जगहों पर छुप के उसी औरत के साथ जाया था, प्राइवेट जगह काम कर रहा था। इस समय पता चला कि कोई महिंद्रा का जो गोदाम है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करती है, वहाँ चौकीदारी कर रहा था। ऐसे बाकी ये एक रिटायर्ड वीआरएस लिया हुआ है, एयरफोर्स के वीआरएस लिया हुआ कर्मचारी भी है, लेकिन अब एक दूसरी पत्नी के चक्कर में ही अपना पूरा सब कुछ खराब कर लिया। बिल्कुल दूसरी पत्नी के चक्कर में ही, उसी चक्कर में नाम बदल दिया।